देखी। जी देखिएगा, इसमें इसमें देखिएगा, आई थिंक लगभग आपके 50% क्वेश्चन थोड़े से आसान भी होंगे ना, लेकिन आसान वो होंगे तो उनके थ्रू आपको क्या करना है, टॉपिक को कवर करना है, और मैं वहां सारे पॉइंट्स लेके चलूंगा, ठीक है, सारे पॉइंट्स लेके चलूंगा, क्या क्या पॉइंट्स आएंगे। तो चलिए, बाकी आपको सारी चीज़ें पता है, इन्फॉर्मेशन वगैरह तो पता है, इसमें कुछ बताना नहीं है। मैं क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पे ध्यान देना, ये आपका जो टॉपिक है, ये लेने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, लैन मैन वैन, इसे आपको जरूर पढ़ के जाना है, ठीक है, इसे आपको जरूर पढ़। देखिए, बिना क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, फिर हम नंबर की बात, यहाँ पे मैं ये कह रहा था आपसे, क्या जैसे यहाँ पे 888 है, 101 है, 88 है, कोई बात रहे आप इस पे पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए, बोला गया है आ यहाँ स्पेस इज यूजुअली प्राइवेटली ओन्ड एंड लिंक द डिवाइसेस इन अ सिंगल ऑफिस बिल्डिंग आर कैंपस। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई किसी को प्रॉब्लम होगी ना, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसको देने का सिर्फ मतलब इतना सा है, देने का मतलब इतना सा है कि लाइन को सर डिटेल पढ़ लेना क्या होता है लाइन, और आपने लिखा भी है काफी हद तक, लोगों ने सेंड किया है, और ट्राई करें सभी लोग करें, ठीक है यहाँ पे। और इसका मतलब है लैन मैन, उनको अच्छे तरीके से पढ़ना है। एक आपके पास जैसे कहीं पे अगर एग्जाम्पल में आ गया, मतलब फुल फॉर्म, तो पैन का मतलब होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, जैसे आपका ब्लूटूथ वगैरह पैन में आ जाता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है, जैसे आपका क्या हो गया, ब्लूटूथ हो गया, ये सब पैन में आते हैं, सब लैन में नहीं आते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सही क्या होगा आपका, लैन सही होगा। चलिए सेकंड देखिएगा, इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट टू पॉइंट लिंक्स दैट मे फॉर्म अ सर्कल। शिता, रेनू, चलिए आई थिंक सभी का सही है, प्रगति, सौम्या, नेहा, ठीक है, विनय, गुड, हर्षित, सही है। ये कौन, लैन कौन बोल रहा है, सुबोध, राज, सही है ना सभी का, ठीक है। और देखो इसका मतलब यहाँ पे है कि मैं बस, मेरा देने का मतलब यहाँ था, इस क्वेश्चन को देने का मतलब यहाँ पे ये है, मोटो में नहीं है कि आपको यार रिंग टोपोलॉजी को बहुत अच्छे से पढ़ना है, जो ये रिंग टोपोलॉजी इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चन आने के चांसेस यहाँ से रहते हैं, ठीक है। घनश्याम, सही, यारू, सही, गुड। तो ध्यान देना, रिंग टोपोलॉजी से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, तो आपको क्या करना है, इसको भी थोड़ा सा फोकस कर लेना है। इसके साथ साथ, रिंग के साथ साथ आपको बस और स्टार पे भी फोकस करना है, ठीक है। चार टोपोलॉजी तो पढ़ ही जाना अच्छे से। टोपोलॉजी का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इस पे आपके पास 60 नोट्स के अलावा मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं, तो ये याद रखना आप यहाँ पे ना, कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर आ जाए तो क्या करेंगे, उसको लिख सकें प्रॉपर ना, सही तरीके से, ठीक, ध्यान देना। अभिषेक, गलत है। चलिए, तो ध्यान, तो आपका रिंग टोपोलॉजी क्या होता है, कोलिजन फ्री होती है और सर्कल के फॉर्म में होती है। पूरा डिटेल एक बार जाके जरूर, मेरी नोट्स अगर देख लोगे तो सिर्फ आपकी टोपोलॉजी की, मेरी जरूर नोट्स देख लेना वहां पे, ठीक है, बुक वगैरह छोड़ देना इसके लिए, मेरी नोट्स बस देख लेना टोपोलॉजी के लिए, वो इनफ है, और हर एक पॉइंट वहां पे मिल जाएगा जितने एग्जाम क्वेश्चन में आएंगे, ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा जो भी कुछ आएगा, तो ये ध्यान देना सारी टोपोलॉजी का। ये बताओ, व्हाट इज द पोर्ट नंबर ऑफ HTTP, और इसका देने का मतलब सिर्फ इतना नहीं है, पोर्ट नंबर पूछना नहीं है, HTTP पढ़ के जाना है आपको बहुत अच्छे तरीके से, HTTP पढ़ के जाना है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और जिसको जितना है उस ध्यान देना कि आपने कितना क्वेश्चन नहीं कर पाया है या आपका गलत हुआ है, ठीक है, उसे फोकस भी करना और उसको बाद में इवेल्युएट करके अपना सही करना उस चीज को। और ये क्या, कैसा प्रोटोकॉल है, अप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है ये, ध्यान देना, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, आप नहीं पढ़ा नेटवर्किंग, तो एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल, इतना बस याद रखना, आगे की जरूरत नहीं है। अगर एक नंबर यहाँ से आपको मिल जाता है तो एप्लीकेशन लेयर डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है, HTTP एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है, ठीक है। और ये स्टेटलेस प्रोटोकॉल है, कैसा प्रोटोकॉल है, स्टेटलेस है, ये भी याद रखना, ठीक है, स्टेटलेस प्रोटोकॉल है, मतलब
यहाँ पे ये होता है, ये सब कुछ बताया गया है आपको वहाँ पे, ठीक है। जब एचटीटीपी पढ़ाया गया सब कुछ बताया गया है, तो इसको आप जाके वहाँ एचटीटीपी की वीडियो आप देखिए। और स्टेटलेस का मतलब होता है ये जो डेटा लेके जाता है हम लोग यहाँ पे, उसको क्या करते हैं, हाँ उसको डिलीट कर देता है। लॉग इन करते हो, लॉग इन इन्फॉर्मेशन क्या हो जाती है, डिलीट हो जाती है, ऐसा कुछ एग्जाम्पल आपको बताया गया है वीडियो में, देखिए। पोर्ट नंबर 80 होता है, पोर्ट नंबर क्या होता है, 80 होता है, ठीक है। और पोर्ट नंबर कितने बिट का होता है, कोई बताएगा पोर्ट नंबर कितने बिट का होता है, पोर्ट नंबर कितने बिट का होता है। वेरी गुड प्रगति, गुड हर्षित, वेरी गुड, ठीक है। 16 बिट का होता है, याद रखना पोर्ट नंबर, बार बार अब जितनी बार आता है देने से ये फायदा का, कोई याद रहेगा चीज है ना, पोर्ट नंबर कितने का होता है, 16 बिट का होता है, चाहे किसी भी चीज का पोर्ट नंबर हो। चलो 80 तो हो गया इसका, 80 तो SM किसका हो गया, HTTP का हो गया। ये बताओ 25 किसका है, 25 किसका है, ये भी पूछा जा सकता है ना, 25 किस प्रोटोकॉल का है। वेरी गुड हर्षित, प्रगति, नेहा, घनश्याम, गुड गुड, सत्यम ना, सही है सौम्या, वेरी गुड टू ऑल ऑफ यू। SMTP का है, SMTP का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, क्या होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और ये जो प्रोटोकॉल होता है ये मेल को सेंड करने के लिए यूज किया जाता है, मेल को सेंड करने के लिए यूज किया जाता है। और ये कैसा प्रोटोकॉल है आपका, ये भी एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल ही है, ये भी कैसा प्रोटोकॉल है, एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। जितनी चीजें बताई जा रही है अब लिखते रहना। और मेल को सेंड करने के लिए यूज करा जाता है, ठीक है। फुल फॉर्म तो कर ही लोगे आप, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इतना इनफ है, एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन इनफ है। 23 पता किसका है, 23 किसका है, रुबाब सत्यम, सही है, गुड। बाकी बताइए, प्रगति सही है, सौम्या सही है, रेनू नहीं गलत है, रेनू 23 नहीं, रमा सही है, गुड वेरी गुड। चलिए टेलनेट का है ना, किसका है, 23 टेलनेट का होता है, टर्मिनल नेटवर्क ना, टेलनेट किसके लिए यूज होता है, रिमोट लॉगिन के लिए यूज होता है, किसके लिए यूज होता है, रिमोट लॉगिन के लिए यूज होता है, ये याद रखना। ये भी आपका एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है, कैसा प्रोटोकॉल है, एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है, बस इतना याद रखना है। अगर मैं जिसको एप्लीकेशन लेयर बोल रहा हूँ, आगे की डिटेल यहाँ पे बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है, दोनों तीनों अभी तक एप्लीकेशन लेयर ही है, ठीक है। ये बताओ 2021 किसका है, 2021 किसका है, यस सौम्या सही है, सत्यम सही है, गुड हर्षित, गुड ठीक है, प्रगति सही है ना, नहीं, आरू DNS का 53 होता है, DNS का 53 होता है, रमा वेरी गुड सही है, सभी लोग आंसर यहाँ पे दो अपना, ठीक है। ये 20 जो 2021 होता है, ये दो होते हैं किसके, FTP के होते हैं, FTP का मतलब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये याद रखना आप यहाँ पे, ठीक है। ये भी एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है, तो फाइल ट्रांसफर भी एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है, इसका यूज होता है फाइल को ट्रांसफर करने में। अगर आपसे कोई पूछता है डाउनलोडिंग करना हो, डाउनलोडिंग करना हो या अपलोडिंग करना हो, मतलब फाइल को ट्रांसफर करना हो एक प्लेस से दूसरे प्लेस, तो कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, तो वहां पे कौन सा होता है आपका, FTP, ममता सही है, गुड, FTP प्रोटोकॉल यूज होता है, ठीक है। समझ में आ गया सभी को, विनय, ये सारा पोर्ट नंबर लिखवाया गया, पढ़ाया गया, ठीक है। और जितना मैंने अभी बताया इतना याद रख लो, अभी मैंने जितना बताया है उतना कम से कम याद रख लो, क्या क्या बताया गया आपको, ठीक है। और सभी लोगों को यही याद भी है ना, इतने की जरूरत ही है, ठीक है, इतने की जरूरत, इससे ज्यादा की जरूरत भी नहीं है। SMTP का याद रख लो 25 होता है, HTTP का याद रख लो 80 होता है, और अभी क्या, टेलनेट का याद रख लो, इसका आपका होता है 23, FTP का होता है, दो यहाँ पे पोर्ट नंबर होते हैं, 20 भी होता है, 21 भी होता है, ठीक है। किसी की वीडियो आने का, ममता ऑफ करो, और एक DNS का नाम आ गया था याद कर लो, 53 होता है, ठीक है। बाकी तो बहुत पोर्ट नंबर्स होते हैं, हमें सबकी जरूरत यहाँ पे नहीं है, ठीक। चलिए तो ये चीजें, इससे क्या होगा, आपके 4-5 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं ना, कोई क्वेश्चन आएगा जरूर यहाँ से, मैं तीनों क्वेश्चन जो सॉल्व कराया हूँ वहां से एक क्वेश्चन आएंगे, बस अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है, बस ध्यान देना, अलग अलग हो सकते हैं, बाकी क्वेश्चन आएंगे सियोर है। विच इज द मोबाइल सोशल नेटवर्क, इसमें से मोबाइल सोशल नेटवर्क कौन है, वेरी गुड टू ऑल ऑफ यू, वेरी गुड, सभी का सही है, गुड गुड गुड, ठीक है, डी सही है ना, तो आपका फेसबुक भी है,
इंस्टा भी है, ट्विटर, इसका मतलब ये ऑप्शन जो होगा आपका डी वो क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। जी, सही है, गुड। चलिए, माइम वाज डेवलप्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है माइम, ठीक है। माइम का फुल फॉर्म क्या होता है, पहले तो मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, ठीक है। तो माइम याद रख लेना, माइम का जो फुल फॉर्म होता है मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, मेल एक्सटेंशन, ये फुल फॉर्म भी पूछा जाता है कभी कभी, तो फुल फॉर्म भी याद रख लेना, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, ये फुल फॉर्म होता है। और ये एक फॉर्मेट है, माइम क्या है, एक फॉर्मेट है ईमेल का, ईमेल का एक फॉर्मेट है, ठीक है, जो जो हमको ये प्रोवाइड करता है कि हम नॉन आस्काई डेटा को भी भेज सकते हैं। एक होता है आस्काई डेटा, आस्काई डेटा का मतलब सिर्फ टेक्स्ट वहां पे, ठीक है, आस्काई डेटा का मतलब सिर्फ क्या हो जाएगा, टेक्स्ट यहाँ पे हो जाएगा, लेकिन नॉन आस्काई डेटा का मतलब हो जाएगा नॉन आस्काई डेटा, ASCII, फुल फॉर्म याद रख लेना, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है, ये जितनी भी चीजें आ रही हैं सबका फुल फॉर्म याद रखना आप यहाँ पे। इसका मतलब हो गया इमेज ऑडियो वीडियो, तो जो इमेज ऑडियो वीडियो है इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन आस्काई डेटा। और माइम ही वो प्रोटोकॉल है, माइम ही वो आपका फॉर्मेट है जो अलाउ करता है कि हम क्या कर सकते हैं, ईमेल के थ्रू इमेज ऑडियो वीडियो सब कुछ भेज सकते हैं, EXE फाइल सॉफ्टवेयर सब कुछ भेज सकते हैं, ठीक है। ये हमें अलाउ कौन करता है, माइम अलाउ करता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा बिल्कुल यहाँ पे, टू सपोर्ट ईमेल मैसेजेस कंटेनिंग टेक्स्ट ऑडियो वीडियो, जितना ज्यादा ज्यादा दिया गया सब कुछ क्या यहाँ पे सही है। यस यस, सही, सभी का सही था जिन्होंने आंसर दिया, वेरी गुड टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो अब यहाँ पे आकर के माइम को जाकर जरूर पढ़ लेना, आस्काई डेटा क्या होता है, नॉन आस्काई क्या होता है, आस्काई डेटा वो होता है जिसमें सिर्फ टेक्स्ट हो, नॉन आस्काई डेटा वो होता है जिसमें ऑडियो वीडियो इमेज वगैरह सब कुछ हो, बाइनरी इन्फॉर्मेशन हो, ठीक है। और आस्काई का मतलब होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये फुल फॉर्म है याद रखना। चलिए, इसके बाद उमंग ऐप क्या है, ठीक है, उमंग ऐप है क्या, यहाँ पे सोशल नेटवर्किंग साइट है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, ई गवर्नेंस सर्विस है कि ब्राउजर है। रिया सही है, गुड गुड, रमा, विनय, ठीक है, हिमांशु, शुभम, रेनू, सभी का सही है, प्रगति, हर्षित, ठीक है, अभिषेक, नेहा, नीलेश, गलत हो गया यार, फ्रांशु। उमंग ऐप जो होता है बताया गया ना आपको, घनश्याम, अरविंद सही है, उमंग ऐप बताया गया था, डिजी लॉकर, उमंग, ये सब ई गवर्नेंस सर्विसेज हैं। जैसे मैंने बताया था, याद होगा आपको, रेलवे के लिए आईआरसीटीसी, ठीक है, ORS, हॉस्पिटल के लिए था ORS, यहाँ तक कि पासपोर्ट सेवा, पासपोर्ट बनवाने के लिए था पासपोर्ट सेवा, इसके अलावा उमंग और साथ ही साथ यहाँ पे डिजी लॉकर, ये सारे के सारे जो सर्विसेस हैं, ये कैसी सर्विसेज हैं, ये जो सर्विसेज हैं, ये सारी की सारी सर्विसेज हैं ई गवर्नेंस सर्विसेज हैं। तो उसमें से उमंग ऐप कैसा ई गवर्नेंस सर्विस है, ये चीज आप ध्यान रखना। और एक चीज यहाँ पे ये बताइएगा, उमंग का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिफाइड, लिख लेना सभी लोग यहाँ पे, जिनको ना पता हो, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। और इस पे सारी की सारी गवर्नमेंट की जो स्कीम होती है, चाहे स्टेट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उसकी स्कीम यहाँ पे पड़ी रहती है। यारो ठीक है, गुड, वेरी गुड, ठीक है, तो ये पड़ी रहती है वहां पे ना, तो ये सारी चीजें वहां से देख सकते हैं, पता कर सकते हैं। तो सोशल नेटवर्किंग साइट जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, ये सब हो गया। ई कॉमर्स का मतलब फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ईबे, ओलेक्स, ये सब हो गया। ब्राउजर तो आपको पता ही है, ओपेरा मिनी या फिर फायरफॉक्स, क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है, सफारी, ये सही होगा आपका यहाँ पे। वो भी आएगा बिना, सही है। अ पीस ऑफ मेलवेयर, ध्यान से सुनना, अ पीस ऑफ मेलवेयर, 2 से 3 जिसने क्लास किया होगा, आज ही पढ़ाया गया था, अ पीस ऑफ मेलवेयर दैट अपीयर्स टू बी यूजफुल बट एक्चुअली कॉजेज डैमेज टू द सिस्टम आर अलाउ अनदर टू गेन एक्सेस टू द सिस्टम इज कॉल्ड, मतलब दिखने में तो यूजफुल लगेगा बट अंदर से प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ये कौन सा मेलवेयर है।
हर चीज आपने सही बताया, क्लास आप हाँ आज किए थे। रिया वेरी गुड, सही है। नेहा सही है, काफी लोग गलत हो रहे हैं यहाँ पे। नहीं, बहुत लोग गलत हो रहा है, ठीक है। नहीं सत्यम गलत है, हर सही है। देखो ध्यान से सुनना, ये जो वायरस होता है सबके सब मेलवेयर हैं, सबके सब मेलवेयर हैं, चाहे वायरस हो, चाहे वॉर्म हो, चाहे ट्रोजन हो, चाहे फिशिंग हो, ये तो सब मेलवेयर से, फिशिंग तो अटैक है, ये अटैक है। बाकी सब मेल, ये भी मेलवेयर से, ये भी मेलवेयर से, फिशिंग तो होगा ही नहीं, ठीक है। अब देखो होता क्या है, जो वायरस होता है, जो वायरस होता है, मैंने कहा था वायरस एक टाइप का मेलवेयर है जो आपके सिस्टम में पेनड्राइव से ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी एंट्री करता है और आपके सिस्टम से फाइल को डिलीट करता है। ये फाइल को क्या करता है, करप्ट करता है, मतलब डिलीट करता है फाइल को, ठीक, ये वायरस। और वॉर्म क्या करता है, खुद का रिप्लीकेशन बनाता है, अपनी ही का रिप्लीकेट का मतलब होता है डुप्लीकेट फाइल क्रिएट करता है, डुप्लीकेट फाइल क्रिएट करता है। जो वॉर्म होता है तो वॉर्म का मतलब होता है अपनी खुद की डुप्लीकेट फाइल बनाता है, जिसे हम रिप्लीकेशन बोलते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से सिस्टम स्लो हो जाता है, इतनी ज्यादा फाइलें बना लेता है कि हर जगह पे वही सेम फाइल रन करती है, इसके थ्रू होता क्या, सिस्टम स्लो हो जाता है, ये वॉर्म होता है। लेकिन मैंने ये पढ़ाया हुआ है आपको, हर क्लास में बताया हुआ है कि वो सॉफ्टवेयर, वो मेलवेयर जो यूजफुल, जैसे मैंने बताया था ना, याद होगा आपको, बैटरी लो ऐसे करके आएगा, बैटरी लो है, आप क्या करें, सेवर, बैटरी सेवर डाउनलोड करें, आपका फोन रिस्क पे है उसके लिए आप क्या करें, एंटीवायरस डाउनलोड करें, ऐसा जो आपकी वार्निंग आती रहती है आपके फोन में या आपके कंप्यूटर लैपटॉप में, वो दरअसल वायरस, वो दरअसल मेलवेयर्स होते हैं, वो रियल में सॉफ्टवेयर नहीं होता, वो रियल में एंटीवायरस नहीं होता, वो क्या होते हैं आपके पास, मेलवेयर्स होते हैं। और उन मेलवेयर्स को क्या बोलते हैं, ट्रोजन्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रोजन्स बोलते हैं। तो ध्यान देना, ऐसे मेलवेयर्स जो आपके सामने से लगेगा कि हमारे लिए क्या है, बहुत यूजफुल है, बहुत जरूरत की चीज है, बट एक्चुअल में आपके सिस्टम को डैमेज करते हैं और या तो दूसरों को परमिशन दे देते हैं सिस्टम को एक्सेस करने के लिए, मतलब मॉनिटर कराने के लिए। ये सिक्योरिटी का, अगर आपने कोई भी मेरी क्लास करी होगी, ऑलमोस्ट कोई भी बैच की क्लास करी होगी, इसका तो आंसर आप आसानी से दे सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ट्रोजन्स जी, सी सही है। आज जिसने भी क्लास करी होगी, दो से तीन वाले, मैं इसीलिए कह रहा हूँ, जिसका छूटा हो वो भी कर अपना यहाँ पे कर ले, इसे दो चार क्वेश्चन के क्लियर हो जाए, ठीक है। AEPS बताइए, AEPS का फुल फॉर्म क्या होता है, आधार इनेबल्ड है ना, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, जी बिल्कुल। AEPS में क्या कर सकते हो, बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हो, बिल्कुल सही है, कैश विथड्रॉ कर सकते हो, कैश डिपॉजिट कर सकते हो, आधार टू आधार कैश ट्रांसफर भी कर सकते हो, मिनी स्टेटमेंट निकाल सकते हो, मतलब बहुत सारे काम कर सकते हो AEPS से, जो आधार कार्ड के थ्रू आप ट्रांजेक्शन करते हो उस सर्विस को हम लोग क्या बोलते हैं, AEPS बोलते हैं, क्या बोलते हैं, AEPS बोलते हैं, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। वेरी गुड, टू वाला ऑप्शन सभी का सही है, डी वाला ऑप्शन, ठीक है। IFSC कोड क्या होता है, इसको भी थोड़ा ध्यान से देख लेना। नेहा गलत है, ध्यान से देखो नेहा, ठीक है, पहले ही देख के मत, घनश्याम आप भी ध्यान से नहीं देख रहे हो, हाँ तो जी, अब ऑप्शन सही है ना, ए तो सही था, ठीक है, लेकिन देखो बी भी सही है ना, बी भी सही है, ठीक है। तो जो IFSC कोड होता है वो 11 डिजिट का होता है, ये बात सही है, क्या होता है, 11 डिजिट का होता है और अल्फा न्यूमेरिक होता है, मतलब अल्फाबेट भी होते हैं और नंबर भी होते हैं वहां पे, ठीक है। और इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड इसका फुल फॉर्म भी होता है, किसका, IFSC का। तो IFSC कोड जो आपके पास, आपके बाहर बैंक का अलग अलग होता है, बैंक ब्रांच का अलग अलग होता है, तो उसमें उसका फुल फॉर्म होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, और साथ ही साथ 11 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है। मैंने ये चीज बताई हुई थी आपको कि जो 11 डिजिट होता है उसमें पहले के जो 4 डिजिट होते हैं वो बैंक का नाम होता है, जैसे कारपोरेशन बैंक है, SBI है, तो SBIN होगा, SBIN होगा, ये होगा आपका बैंक का नाम। फिर एक जीरो होता है, पांचवा हमेशा जीरो होता है, और जो बाकी के जो बच गए 6 वो ब्रांच कोड को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ऐसा भी कोई क्वेश्चन आ जाए कि बाकी लास्ट के 6 न्यूमेरिक डिजिट क्या रिप्रेजेंट करते हैं, तो ब्रांच कोड को रिप्रेजेंट करते हैं, ये बैंक को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये तो जीरो हमेशा रहेगा, जीरो दोनों को सेपरेट कर रहा है, वैसा सोच लो, ठीक है। यस यस अभिषेक सही है, गुड, ठीक है।
इसके बाद ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये मैंने क्या किया थोड़ा सा यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया हुआ है लास्ट यूनिट से। अब ये जो दो जो लोग क्या कर रहे हैं 2 से 3 वाले बैच में पढ़ रहे होंगे उनके सामने तो अभी ये नहीं आया होगा, ठीक है, लेकिन जो लोग इस पढ़ चुके हैं बाकी बैचेस वाले वो तो पढ़ चुके होंगे यहाँ पे 11 12 जो भी बैच वाले हैं ब्लॉक चेन क्या। लेकिन ध्यान दीजिएगा आपको ऐसा नहीं कि नहीं जानना है, ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी क्या होती है वो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अगर अभी आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आगे जैसे ब्लॉक चेन मैं आपको खत्म करूंगा 2 3 दिनों में वो सब क्लियर हो जाएगा, इसके लिए इसका आंसर भी कम ही लोगों का आएगा। सही बात है, IoT में भी है। जी जी IoT में भी है ब्लॉक चेन, यहाँ तो सभी सही है। देखिए ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी जो होती है, ठीक है, ये जिन लोग पढ़े जो उनके लिए बस यहाँ पे, इम्यूटेबल का मतलब चेंज नहीं हो सकता। ये जो टेक्नोलॉजी है इसमें हम डेटा रखते हैं, ठीक है, ध्यान देना, जितने आपके ट्रांजेक्शन होते हैं, जितने आपके ट्रांजेक्शन होते हैं जो बैंक से आप ट्रांजेक्शन करते हो, ठीक है, हर ट्रांजेक्शन की जो एक रिकॉर्ड है, हर ट्रांजेक्शन की जो एक रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड को हम लोग एक जगह पे रखते हैं, चेन बना बना के ब्लॉक बना। जैसे अभी मान लेते हैं 10 रिकॉर्ड 10 ट्रांजेक्शन हुआ एक ब्लॉक बन गया, फिर 10 ट्रांजेक्शन हुआ दूसरा ब्लॉक बन गया, फिर 10 ट्रांजेक्शन हुआ तीसरा ब्लॉक बन गया, ऐसे ही हर ट्रांजेक्शन को हम ब्लॉक बाय ब्लॉक में स्टोर करते चले जाते हैं, इसको बोलते हैं ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी। बाकी उनके लिए जो लोग अभी नहीं पढ़े हैं इतने से आप समझते रहिए। और ये जो ब्लॉक बन रहा है, ये जो पूरा डेटा स्टोर हो रहा है, ये कभी इसको कोई चेंज नहीं कर सकता, इसलिए बोलते हैं इम्यूटेबल है, मतलब कभी कोई चेंज नहीं कर सकता। डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है एक जगह से मैनेज नहीं होता ये, एक जगह का मतलब जैसे इसको अगर आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो तो आप भी देख सकते हो कोई और भी देख सकता है। जैसे क्या होता है बैंक, आपको पता होगा बैंक में क्या होता है, जब बैंक हमारे ट्रांजेक्शन को मैनेज करती है तो उस केस में ये होता है कि सिर्फ बैंक ही देख पाती है कि कौन सा ट्रांजेक्शन कब किया गया है, वो बैंक ही देख पाती है और कोई नहीं देख पाता। पूरा ट्रांजेक्शन पूरे सिस्टम का जो ट्रांजेक्शन है वो सिर्फ बैंक देख पाता है। SBI में कितना ट्रांजेक्शन हुआ है ये SBI बैंक ही जानती है, कोई और नहीं जानता होगा, ठीक है। जब कोई एक पर्सन किसी चीज को हैंडल कर रहा है उसे हम बोलते हैं सेंट्रलाइज्ड, क्या बोलते हैं सेंट्रलाइज्ड, ध्यान देना। अगर कोई एक चीज एक जगह से मैनेज हो रही कोई चीज तो उसको हम बोलते हैं सेंट्रलाइज्ड। अगर एक जगह से मैनेज ना हो करके वो डिफरेंट डिफरेंट हर जगह से मैनेज हो रही है, हर जगह से लोग उसे एक्सेस कर रहे हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं डिसेंट्रलाइज, क्या बोलते हैं डिसेंट्रलाइज। तो जो ब्लॉक चेन है वो किसी का है नहीं, पर्टिकुलर किसी का नहीं है, इसलिए ब्लॉक चेन क्या होगा आपका डिसेंट्रलाइज होगा, ठीक है। फोल्डर नहीं, बहुत बड़ी चीज है ब्लॉक चेन, ठीक है, फोल्डर नहीं बोल सकते ना। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है, ये वाला क्वेश्चन हो सकता है कुछ थोड़ा डाउट हो, जो लोग नहीं पढ़े हैं तो परेशान होने की आपको जरूरत नहीं, बिल्कुल मैं बस थोड़ा सा हिंट आपको दे रहा हूँ इनकी मीनिंग क्या होती है। ट्रांसपेरेंट का मतलब कुछ छुपा नहीं है, सब कुछ दिखेगा, मैंने बताया ना हर कोई देख सकता है, ऐसा नहीं गूगल का डेटा गूगल ही देखेगा, हर कोई देख सकता है। ये पूरा इस टाइप का क्या है आपके पास, पूरा स्टोरेज सिस्टम है यहाँ पे, ऐसा ब्लॉकचेन ऐसी टेक्नोलॉजी है, ठीक है। तो बिल्कुल इम्यूटेबल होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, सब लोग देख सकते हैं, चेंज नहीं कर सकता कोई यहाँ पे। डिसेंट्रलाइज होता है किसी एक के जिम्मे नहीं रहेगा, हर कोई इसे देख सकता है, ठीक है, और मैनिपुलेशन वगैरह तो होगा नहीं, तो कोई बात ही नहीं, कोई मैनिपुलेशन तो कर ही नहीं सकता। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा डी, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। चलिए कुछ लोग आंसर दिए थे जिन्होंने पढ़ा हुआ होगा ना, आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखना, ट्रोजन हॉर्सेस आर सिमिलर टू वायरसेस, ट्रोजन हॉर्सेस आर सिमिलर टू वायरस इन दैट दे आर कंप्यूटर प्रोग्राम, ठीक है, यहां तक, दैट रिप्लीकेट कॉपी ऑफ देमसेल्व, ये ट्रू है कि फॉल्स है, अभी बता के आ रहा हूं। शिवम गलत है, नेहा सही है, सत्यम सही है, गुड, शिवम सही है, प्रगति सही है, सही है, मानसी, हर्षित, राज, सौम्या, आदित्य सही है, आदित्य गलत है, रिशिता गलत है, घनश्याम गलत है, ऋषभ सही है, आरु गलत है। अगर आपका ये गलत हो रहा है, ध्यान, अब देखना अभी आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन से 100% तीनों में क्लियरिटी हो जाएगी, दोनों में, खास करके वॉर्म और ट्रोजन्स में से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। अरविंद ममता सही है, अभी आज आज ही पढ़ा के आ रहा हूँ 2 से 3 वाले में ना, यही बताओ अभी क्या बताया गया, रिप्लीकेशन कौन करता है, रिप्लीकेशन कहाँ होता है, मतलब डुप्लीकेट फाइल कौन बनाता है, ऋषिता आप बताओ, जिन्होंने गलत दिया था आंसर ना। तो
अगर कोई ऐसा मेलवेयर जो अपनी ही खुद की फाइल क्रिएट करे, वो होता है वॉर्म। क्या होता है? वॉर्म होता है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे ये बोला जा रहा है ट्रोजन हॉर्स, ठीक है, ट्रोजन हॉर्स सिमिलर वायरस के, ठीक है, वायरस की तरह ही होता है। इन दैट, ये कंप्यूटर प्रोग्राम सही बात है, दैट रिप्लीकेट, अगर यहाँ पे वॉर्म होता ना तो सही होता, अगर यहाँ पे वॉर्म होता तो सही होता। लेकिन ट्रोजन्स क्या होता है, ट्रोजन्स वो मेलवेयर होता है जो यूजफुल पर्पज से इंट्री करता है, अभी बता के आ रहा हूँ, और आपके सिस्टम में आके सिस्टम को डैमेज करता है, ठीक है। अब सभी को क्लियर है कि नहीं, वॉर्म और ट्रोजन्स में क्लियर है कि नहीं, बताओ आप लोग, वॉर्म और ट्रोजन्स ये दोनों क्लियर हुए कि नहीं। वॉर्म का मतलब रिप्लीकेशन, ये लिखा भी अभी तक देखिए रिप्लीकेशन, और ट्रोजन्स का मतलब यूजफुल पर्पज से आता है, यूजफुल पर्पज से आता है, वो बैटरी लो या रिस्क वाला जो भी मैंने यहां बताता हूँ सब वही है। चलिए ये वाला फॉल्स है, क्या है? फॉल्स है, जिन्होंने फॉल्स दिए बिल्कुल सही उनका, वेरी गुड। चलिए डिजिटल लॉकर सर्विस या डिजी लॉकर सर्विस लॉन्च्ड इन फरवरी 2015 टू प्रोवाइड अ सिक्योर डेडिकेटेड पर्सनल इलेक्ट्रॉनिक स्पेस फॉर स्टोरिंग द डॉक्यूमेंट ऑफ रेजिडेंट इंडियन सिटीजन्स। ट्रू है कि फॉल्स है? वेरी गुड, वाला सभी का सही है जिन्होंने आंसर अभी तक दिया है, ठीक है। रमा, नेहा, हर्ष, आदित्य, हर्षित, नीलेश, रिया, गलत है, घनश्याम, ठीक है, सही है। डिजी लॉकर क्या होता है, सब लोग ध्यान से सुन लो, राज सही है। डिजी लॉकर, डिजी लॉकर ध्यान देना, गवर्नमेंट ने क्या किया है, अगर मैंने ये चीज भी बहुत डिटेल पढ़ाई थी यहाँ पे, कि जो आपके डॉक्यूमेंट है, इंडियन सिटीजन का मतलब जो इंडिया के लोग हैं उनके जो डॉक्यूमेंट है, वो चाहे तो अपने डॉक्यूमेंट को क्या फिजिकली कहीं पे कैरी ना करें, और एक स्पेस उनके लिए प्रोवाइड किया गया है जो उनका पर्सनल स्पेस होगा, मैक्सिमम 1 GB का होता है, आपको ये भी बताया गया था, मैक्सिमम 1 GB का स्पेस होता है जहां पर वो अपने डेटा को सुरक्षित रख सकते हैं और वहां से कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा जब तक वो नहीं चाहेंगे, ठीक है। तो गवर्नमेंट कहीं अगर आपको डॉक्यूमेंट लेके जाना, आप लेके मत जाओ, बल्कि इसका आप क्या करो, यूज करो। उस सर्विस का नाम था डिजी लॉकर, नाम क्या था? डिजी लॉकर बोला, डिजिटल लॉकर बोला जाता है, तो डिजी लॉकर। ये 2015 में लॉन्च किया गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। तो ध्यान देना, अब से एक क्लाउड बोलते हैं ना, गूगल ड्राइव जैसे बोलते हैं, जैसे गूगल ड्राइव बोलते हो आप लोग, तो गूगल ड्राइव के जैसा ही है डिजी लॉकर, जहां पे अपने डॉक्यूमेंट को सिक्योरली रख सकते हो और कहीं से भी एक्सेस करवाना होगा तो करवा भी सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। दिस इज डिजी लॉकर, हाँ गूगल ड्राइव की तरह ही है, ठीक है। ये गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। अभी आप जाइएगा प्ले स्टोर पे, ठीक है, वहां पे जाइएगा डिजी लॉकर, क्या करिएगा, सर्च करिएगा, आएगा आपसे आपका नंबर पूछेगा, अपना नंबर देना जो आधार कार्ड से लिंक होगा वो नंबर देना, और एक दो इन्फॉर्मेशन देना जो पूछेगा। जैसे ही आप क्या करोगे, साइन अप करोगे, रजिस्टर करोगे डिजी लॉकर पे, सबसे पहले वहां डॉक्यूमेंट में जाना, तो आपको वहां आपको अपना आधार कार्ड तो दिखाई देगा, आधार कार्ड पैन कार्ड आपको मिल जाएगा वहीं पे, ठीक है। नहीं नहीं 2015 है, 2015 में हुआ था, ठीक है, 18 नहीं 2015 में, ठीक है, नहीं 15 एग्जैक्ट है, मैं सोचा लिखा होगा कुछ गलत, नहीं लिखा, सही लिखा है, ठीक है रिया। चलिए तो ये डिजी लॉकर ध्यान रखना, डिजी लॉकर, उमंग ऐप, दो चीज तो याद रखना आप यहाँ पे, NEFT हैज। अब देखिए इस पेपर से बस ये होगा कि यहाँ पूरा एक बार आप जाके क्या कर सकते हैं, यहीं से काफी कुछ रिवाइज हो रहा है मेरे हिसाब से, तो 40% से यहीं से सारी चीजें क्लियर हो जा रही है, ठीक है। अब थोड़ा सा क्या करना, जाके पढ़ लेना है। NEFT हैज मिनिमम लिमिट ट्रांजेक्शन, ये क्या ट्रू है? ये ट्रू है, ये क्या था? ट्रू था आपका, ठीक है। अच्छा अभी ऊपर वाला, अच्छा चलो ये चला गया था, मैंने ध्यान नहीं दिया था, ठीक है, चलो अभी ऊपर आ जाता हूँ, 8वां क्रम में ऊपर आ जाता हूँ, ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया, यहां से शुरू ही कर दिया, ठीक है। चलिए NEFT हैज मिनिमम लिमिट ट्रांजेक्शन 2 lakhs, ये क्या है, ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स है। आरु सही है, रिया गुड, हर्ष सही है, अरविंद, घनश्याम सही है, नेहा सही है। हाँ मिनिमम इसकी 1 रुपए से होती है ना, मिनिमम कोई लिमिट ही नहीं है, ना तो मिनिमम कोई है ना तो मैक्सिमम कोई है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। मिनिमम 1 रुपए आप भेजोगे ना, उससे कम भेज नहीं सकते, तो 1 रुपए से लेके इसकी कोई लिमिट नहीं है, पहली बात तो ध्यान रखिएगा, NEFT की कोई लिमिट नहीं है, ना तो मिनिमम ना तो मैक्सिमम। जब कभी पूछा जाए कोई लिमिट, ऐसी कौन सा पेमेंट सिस्टम जिसकी कोई लिमिट नहीं है, बिना, गलत है आपका ना, ट्रू नहीं होगा जी। RTGS की 2 lakh होती है, ठीक है,
ध्यान देना, मैं फिर से कह रहा हूँ, अपने आप को इस पेपर के हिसाब से इवेल्युएट मत करना, जाकर के इसको क्या करना, आपको पढ़ना, नेक्स्ट पेपर में लेके आऊंगा, उसके बाद दो पेपर आपका सॉल्व हो चुका है, अगर दो पेपर में आप ईमानदारी से वाकई में पढ़ेंगे जो क्वेश्चन से आ रहे हैं, तीसरे में 100% आपका क्या 50% से ऊपर ही आएगा, उससे कम नहीं आएगा हर किसी का, ठीक है। चलिए देखिए, तो ये कह रहा हूं आरटीजीएस जो होता है, जो आरटीजीएस होता है रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट, रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट, ये जो होता है इसकी मिनिमम जो लिमिट होती है वो 2 लाख होती है, ठीक है, और मैक्सिमम इसकी भी कोई लिमिट नहीं होती है, मैक्सिमम में 9 होती है, कोई लिमिट नहीं होती है, लेकिन मिनिमम में 2 लाख होती है, अगर 2 लाख से कम है तो आरटीजीएस आप नहीं कर सकते। आईएमपीएस जो होता है, एक आईएमपीएस होता है, आईएमपीएस जो होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस, इसमें क्या होता है कि आप पहली चीज तो यहाँ पे है कि 1 रुपए से लेके 2 लाख तक भेज सकते हो, मतलब आईएमपीएस में 2 लाख से ज्यादा नहीं भेज सकते हो, तो याद रखना आईएमपीएस की मैक्सिमम लिमिट 2 लाख है, मिनिमम कोई लिमिट नहीं है, आरटीजीएस की मिनिमम लिमिट 2 लाख है, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, लेकिन एनईएफटी की कोई लिमिट नहीं है, ना तो मिनिमम ना तो मैक्सिमम। हाँ रिकनेक्ट करना है, जी जी दोबारा कनेक्ट करना है, क्योंकि ये पेपर कंप्लीट हो जाए, नहीं तो ऐसे रह जाएगा, ठीक है, ये पेपर कंप्लीट हो जाए तो ज्यादा सही रहेगा, इसलिए आपको दोबारा कनेक्ट करना है, तो ये वाला जो क्वेश्चन ये फॉल्स हो जाएगा, ये सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, तो रिकनेक्ट करना है आपको ना, दोबारा ज्वाइन करना है, मैं हमेशा से बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है, यही बोल रहा हूँ आपसे कि इससे इवैल्यूएट नहीं करना, इससे आपको सीखना है, पढ़ना है, बस और कुछ नहीं। स्मार्ट वॉच 360, जो स्मार्ट वॉच है, गूगल ग्लास है, ड्रोन कैमरा है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ लेटेस्ट आईटी गैजेट, ये तो हर कोई बता देगा ना, ट्रू है, जी बिल्कुल सही है, ठीक है, ट्रू है, गुड गुड टू ऑल ऑफ यू, सही है, ये ट्रू हो जाएगा। चलिए एक और यहाँ बचा हुआ है, तो इसको भी देख लेते हैं, फिर आप लोग ज्वाइन करिएगा। यूएसएसडी का मतलब होता है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विसेज डेटा, सही है, फुल फॉर्म तो सही है। अलाउ, अलाउ करता है यूजर विदाउट अ स्मार्टफोन आर इंटरनेट कनेक्शन टू यूज मोबाइल बैंकिंग थ्रू, हाँ सही है ना, बिल्कुल सही है, एक ही मात्र ऐसी सर्विस है यूएसएसडी, ठीक है, यूएसएसडी एक मात्र ऐसी सर्विस है जिसमें हम बिना इंटरनेट के, बिना स्मार्टफोन के पैसा भेज सकते हैं, पैसा भेज सकते हैं। चलिए यहीं पे आते हैं फिर दोबारा, ठीक है, और एक चीज याद रखिएगा कि जो यूएसएसडी की लिमिट होती है 1 दिन में 5,000 रुपए, इससे ज्यादा आप नहीं भेज सकते हैं, और साल भर में 50,000 रुपए से ज्यादा भी नहीं भेज सकते हैं, ठीक है, इस चीज का याद रखिएगा आप यहाँ पे, 1 दिन में 5,000 से ज्यादा नहीं भेज सकते हैं और साल भर में 50,000 से ज्यादा नहीं भेज सकते, किससे, आप यूएसएसडी से, यहाँ पे किसी भी टाइप का आपको स्मार्टफोन या नेट की, इंटरनेट की जरूरत नहीं है, हो जाएगा मोबाइल से हो जाएगा, ठीक है, लेकिन मोबाइल आपका बैंक से कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है हिमांशु, नेट की कोई जरूरत नहीं वहां पे, अपने फोन में करना है घनश्याम, अपने फोन में डायल करके देखो हो क्या रहा है ना, डायल करके पहले देखो क्या हो रहा है, फिर जो कोई प्रॉब्लम हो बताना, *99 है जी, अपने फोन में डायल करो देखो क्या होता है, और फिर आगे का प्रोसेस जो एरर आती है तो बताना। हाँ दोबारा ज्वाइन करिए, सभी लोग ज्वाइन करिए।